माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे इस कबूतरी के भी एक बच्चे निकल आए हैं। छिलका इधर गिरा हुआ है और कबूतर वो देखिए ऊपर बैठा हुआ है। छिलका मैं फेंक देता हूँ, गया छिलका। और अभी इनको दाना डालते हैं और ये खुद ही सारे कबूतर बाहर आ जाएंगे। और अब मैं आपको बच्चा दिखाता हूँ, मैंने अभी खुद भी नहीं देखा हुआ ये, पहले इसको शिफ्ट करते हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम यार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। तो यार दोस्तों हमारे कबूतर के बच्चे निकल आए और मैं बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि यार मुझे सबसे ज्यादा इंतजार इस कबूतर के बच्चे के निकलों का था, क्योंकि मुझे यार ये कबूतर बहुत प्यारे लगते थे। उन कबूतरों से भी ज्यादा मुझे ये वाले कबूतर प्यारे लगते थे, इसलिए मुझे इनका ज्यादा इंतजार था। और अभी जल्दी से मैं इनको बाजार डालता हूँ और ये सारे बाहर आएंगे और मैं भी देखता हूँ और आप भी देखेंगे कि यार बच्चे कितने निकले हैं, एक ही निकले हैं या दोनों निकले हैं और किस कलर के हैं, देखते हैं। बाजार डालते हैं, ये देखने सारे बाहर आएंगे। आह 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 आह। और वो देखें आना शुरू हो गए हैं, बस वो वाला कबूतर बाहर आ जाए। अगर ये कबूतर ही बैठ तो मैंने आपको दिखा देने थे, लेकिन कबूतर बैठ, कबूतर यार बहुत ज़्यादा मारता है इसलिए मैं नहीं दिखा रहा उसको। और वो देखें कबूतर ही बैठा हुआ है अंदर, आपको मैं दिखाता हूँ। आह 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 आह। और यार देखें सारे कबूतर माशाल्लाह दाना खा रहे हैं। और यार मैंने आज तक ना उस कबूतर को दाना खाते हुए नहीं देखा, यही सारे हमेशा खा रहे होते हैं, या मेरे होते हुए नहीं खाते, या तो पता नहीं क्या इसको मसले, ये दाना ही खाता ही नहीं है मेरे सामने। और ये सारे खा रहे हैं माशाल्लाह, वो कबूतर अभी तक बाहर नहीं आया। और यार दोस्तों एक बात बतानी थी, हमारे ये जो कबूतर है ना, ये दोनों अब अपने बच्चे को इनक्यूबेट नहीं करा रहे, फीडिंग करा रहे हैं, उसको हीट नहीं दे रहे क्योंकि वो अब काफ़ी बड़ा हो गया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह, यार दोस्तों ये देखें माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया हुआ है, इसलिए अब बस उसको खाना खिला के चले जाते हैं। और खाना खाने के बाद ये उसको हीट नहीं देते, हीट बस शाम को देते हैं। वो कबूतर आ रहा है, नहीं यार शीट वापस चला जाता है, उसको मैंने आज तक नहीं खाता हुआ, खाना खाते हुए या पानी पीते हुए देखा। माशाल्लाह से ये सारे खा रहे हैं, बट यूनाफोज को जल्दी से डालते हैं शाम का खाना। माशाल्लाह से इनको भी डाल दिया और ये खाना शुरू हो गए हुए हैं, इनके पास पानी नहीं है, पानी डालता हूँ मैं इनको। और ये वाला कबूतर अभी तक बाहर नहीं आया, पता नहीं क्यों, खैर अभी आ जाएगा, अगर नहीं आया तो मैं इसके साथ ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। और तोतों का दाना मैंने लगा दिया, बस पानी रह गया, और ये पानी भी लगा देता हूँ खून को। और अल्हम्दुलिल्लाह से सबको दाना पानी लगा दिया है मैंने, ऊपर से नीचे सबको। और कबूतर नहीं बाहर आ रहा, पता नहीं क्यों, हर दफ़ा तो ये बाहर फिर रहे होते हैं। यार बच्चा निकला तो मैंने दिखाना है, और ये बाहर ही नहीं निकल रहा। अभी यूनाफोज का पानी लेकिन लेने जा रहा हूँ मैं, और इधर से ही भर लेते हैं। और ये भर लिया मैंने, अब चलते हैं। चलो भाई पी लो पानी, और माशाल्लाह पीना शुरू हो गए हैं। यार अभी हमने ये वाला कबूतर पकड़ना है और इसके पर निकालने हैं, इसके पर निकाल के यार दोस्तों, पर क्योंकि निकालने हैं, क्योंकि यार दोस्तों आज ये वाला कबूतर हमारा उड़ गया था, और ये उड़ गया ना पहले इधर नीचे गिरा है, इधर यार नीचे गिरा है, और यहाँ सारे लोग पकड़ने के लिए आ गए थे, लेकिन उनमें से मेरा एक दोस्त था उसने मुझे बुलाया, और मैंने वो जल्दी से कबूतर पकड़ा, वो ना जाके वहाँ बैठे जहाँ कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ गिरा, वहाँ से मैंने पकड़ा है और फिर मैं वापस लेके आया, इसलिए आज इसके पर निकालने हैं, इसके भी और इसकी फीमेल के भी। और इतनी मेहनत के बाद कबूतर पकड़ लिया, अब इसके पर निकालते हैं। यार माशाल्लाह से कबूतर के पर निकाल दिए हैं, और ये देखें कबूतर के पकड़ते हैं, क्योंकि वो भी इस तरह कच्ची उड़ाड़ी मारती है, अगर अब मैंने इसके पर निकाल दी, अब जो नए पैर आएंगे तो ये पूरे पक्की उड़ाड़ी मारेंगे, यानी इस तरह कच्ची वो हमें उड़ते उड़ते इतना सा उड़े वो अपनी छत तक और वहाँ से नीचे गिर गए। अब ऐसा नहीं हो, अब इसके जब नेप पर आएंगे ना तो ये पूरा अच्छी तरह उड़ लेगा, ताकि इसको कोई पकड़ने वाले चांस ना रहे। और अब इसकी कबूतरी को भी पकड़ते हैं, और चलो भाई इसके पर निकाल दिए हैं। और अब इस ये भी कबूतर ना इस कबूतरों की तरह पूरी बड़ी उड़ाड़ी मारे करेंगे माशाल्लाह से, ये वाला कबूतर पूरा बाजी कबूतर, ये जब उड़ता है ना हुआ में तो उड़ते उड़ते ना नीचे नहीं गिरता, ये पूरी जैसे जंगली कबूतर पूरे प्लेन ऐसे उड़ते हैं ना वैसे उड़ता है ये। और अब ये भी उड़ेंगे जब इनके नए पर आएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह यार दोस्तों ये है वो बच्चा जो मैंने अब इसके नीचे से निकाला है, और अब इसको वापस रख देते हैं जल्दी से। और यार ये बहुत मारता है रखते हुए, यार चलते हैं इसको डिस्टर्ब नहीं करते। यार अब मुर्गे का बाजा डाल रहा हूँ मैं, मुर्गे को नहीं डाला हुआ अभी तक, और ये पकड़ लिया, अब इसको डाल के आते हैं। यार मुर्गे का बाजा डाल दिया, ये अभी लगता है मुझे भूख के लग रही है, इनको थोड़ा सा और बाजा डालते हैं। आह
और अब ये माशाल्लाह खाते रहेंगे, हमारा काम हो गया। यार ये देखिए इतना बाजा इन्होंने ज़ाया किया, अभी ये कबूतर की देर थी, अगर वो बाहर आ जाता तो मैं इसे उठा लूँगा, अगर नहीं आता तो देखेंगे फिर उसके बाद क्या करना है, अगर नहीं आया तो फिर भी उठा ही लूँगा, क्योंकि यार इस तरह ये सारा ज़ाया होगा उस शाम को ना। हमारे यहाँ चूहे होते हैं, वो चूहे खा जाएंगे ये वाला दाना, सारा ज़ाया होता है, और इस तरह से ये साफ कर देते हैं। अगर चूहे ना भी हो ना तो ये इस पाइप से ना पानी आता है, और वो पानी सारा बाजरे की वजह से ज़ाया हो जाता है, तो इससे पानी किसी भी टाइम पर आ जाता है, इसलिए मुझे बाजरा उठाना पड़ेगा क्योंकि ज़ाया नहीं करना। चलो भाई यार तुम तो सो, तुम्हें किस बात की सज़ा देनी है। और इनको कवर कर दिया चारों तरफ से, अब ये इनका तो हो गया सारा कुछ ख़त्म, अब बस ये भी खा लें, फिर उनको भी मैं बंद कर दूंगा। यार वो देखे कबूतर ही ना इंक्यूबेट करने चली गई है, उसको सुबह का मैं देख रहा था नहीं जा रहे थे, लेकिन अब चली गई है, मैंने कहा था ना शाम टाइम चली जाएगी, और ये शाम टाइम हो गई है और इंक्यूबेट करने चली गई है, और अंधेरा भी हो रहा है, अब इसको बाजरे को उठाता हूँ मैं जल्दी से। और ये मैंने इकट्ठा कर दिया, ये वापस बॉक्स में डाल देते हैं क्योंकि सबका पेट भरा हुआ है। और यार कल दोस्तों ना हमने ना इस मिनी हैंस फार्म की ना ज़रा सफाई करनी है, और थोड़ा सा तब्दीलियाँ भी करेंगे, अपडेट एक सब अपडेट करेंगे। और यार कबूतर अभी बाहर आया है, और अब मैं आपको तसल्ली से दिखाता हूँ वो। और यार दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह से देखें, ये है वो बच्चा, और इसको फीड कराया हुआ है, और दूसरे अंडे में से अभी नहीं निकला, क्योंकि इन्होंने ये अंडा ना तकरीबन 2 दिन बाद दिया था, और इंशाल्लाह उसमें से भी निकल आएगा, आपने दुआ करनी है। कबूतर अभी दाना खाने के लिए आया हुआ है, आह आह, कबूतर ही जाने लगी है अब, इनको पानी डालते हैं, पानी उनका कम हो गया है। आह आह, चलो भाई पी लेंगे अब ये पानी। और इसको तो पता नहीं किसने कोई नसीहत दी है कि यार भाई तूने पानी नहीं पीना, ना ही कोई दाना खाना है, बस तूने इधर ही बैठे रहना, खा ले भाई खा ले। ये कहाँ जा रहा है, लगता अपने घर जा रहा है। देखिए दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह से ये अपने घर का पक्का हो गया, और वो देखें चला गया चला गया चला गया चला गया, और दूसरे कबूतर ने मार के इसको वापस भेज दिया है, फिर इसने जाने की कोशिश तो किया, अब ये जाएगा, वो नीचे चला गया है दूसरे कबूतरों से डर। ओह इस कबूतरी से ना जाया ही नहीं गया, इसकी डाई गलत हो गई है, उडारी ने इसमें गलत मारी है, इतना भूखा है यार दोस्तों, इतनी जल्दी जल्दी खा रहा है, इसको थोड़ा सा और बाजा और डालते हैं। आह 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 आह, और लगता है वो अंदर से फीड करा रहे हैं, देखिए आवाज़ें आ रही हैं। और यार देखो दोस्तों वो कबूतरी इसको मार रही है, वो देखे यार दोस्तों वो कबूतरी इसको मार रही है, वो देखो बाहर आने वाला है, देखिए उसने उसने उसको अपने घर में आने ही नहीं दिया, वो देखे उसको मार रही है अभी भी, वो देखे बाहर आ गई है। यार दोस्तों ये क्या पता चक्कर है, मुझे लगा था वो उस कबूतरी के साथ फ्रेंडली है, लेकिन उसने तो मार के बाहर निकाल दिया उसको। फाइनली ये ऊपर चली गई है अपने बच्चों को इंक्यूबेट कराने के लिए, और वो देखें फीड कराने के लिए जा रही है, जा भाई जा ऊपर जा ऊपर जा। यार दोस्तों अब मुर्गे ने खा लिया होगा, और मुर्गे को बाहर निकालते हैं और इन सबको बंद करते हैं, चल भी हो जा बंद, और देखा हो गया बंद। इस जादू को कहते हैं एडिटिंग, कैसा है कैसी है जादू है। और अब इनको छोड़ देते हैं, चल भी खुल जा सिम सिम ब्रू, जो भाई फिर लो जी लो अपनी जिंदगी। चलो भाई यार दोस्तों चलते हैं, यार दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो, में देखा वीडियो पसंद, अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, कल एक नए टॉपिक के साथ, और मुझे अपनी दुआ में याद रखना, अल्लाह ताला को अपने में रखे, अल्लाह हाफिज़।